कामयाबी की ऐसी रफ्तार आपने देखी नहीं होगी, सफलता की ऐसी ऊंचाइयां आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन महज 4 महीनों में रेडिट ने जो सक्सेस हासिल किया है उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। जुलाई में लॉन्च हुआ रेडिट आए दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में कई NFT प्लेटफॉर्म्स इसे खतरे के तौर पर देख रहे हैं, तो कई लोग रेडिट पर सवाल उठा रहे हैं। क्रिप्टो के गलियारों में तो ये भी सुगबुगाहट है कि रेडिट ने लोगों को धोखे से अपने प्लेटफॉर्म पर NFT खरीदने के लिए उकसाया है। जी हाँ, इल्जाम संगीन है, लेकिन इल्जाम क्यों लगाया गया बताएंगे आपको पहले कहानी रेडिट की कामयाबी की। आप जानकर हैरान होंगे कि चंद महीनों में रेडिट ने ना सिर्फ 1.5 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स जुटाए, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर 2.9 मिलियन कलेक्टिबल अवतार्स मिंट भी किए गए। खैर, खबर यह है कि पॉलीगॉन और डून एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक 24 अक्टूबर को रेडिट ने 24 घंटों में NFT टोकन अवतार में $1.5 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की, जो कि लॉन्च से लेकर अब तक रेडिट पर हुई इस कलेक्शन की क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम $4.1 मिलियन का 1/3 इंक्रीज है। इसके साथ ही रेडिट की डेली सेल्स वॉल्यूम भी अपने ऑल टाइम हाई पर थी, जहां 3780 डिजिटल कलेक्टेबल्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए। रेडिट पर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अवतार क्रिएट करते हैं, जिन्हें NFT के तौर पर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर मिंट किया जाता है। इन कलेक्टेबल्स को रेडिट के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट वॉल्ट पर यूजर्स परचेज कर सकते हैं। इन कलेक्टेबल्स को पहना जा सकता है या फिर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर डिस्प्ले किया जा सकता है जब यूजर्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। NFTs खरीदने के बाद इन्हें सेकेंडरी मार्केट जैसे कि OpenSea पर बेचा या खरीदा भी जा सकता है, जहां कुछ कलेक्शंस को छोटे बिट्स और कुछ कलेक्शंस को कोई बिट्स नहीं मिलते, तो कईयों का फ्लोर प्राइस ही $2,000 से ज्यादा होता है। अब तक का रेडिट NFT का हाईएस्ट प्राइस रहा है $24,149 या 18 ETH। जुलाई में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर कलेक्टेबल NFT अवतार लॉन्च करने से अब तक यूजर्स ने रेडिट पर 2.5 मिलियन NFT वॉलेट्स ओपन किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केटप्लेस OpenSea पर 2.5 मिलियन वॉलेट्स है। अगर आप इन NFTs को ओन करते हैं तो आप इन्हें रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां तक कि OpenSea जैसी सेकेंडरी मार्केट पर सेल भी कर सकते हैं। रेडिट रिकॉर्ड्स एक्सप्लोड कर रहे हैं फिलहाल। डून एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टेबल रेडिट NFT अवतार की सेल्स 24 अक्टूबर को 24 घंटों में थी $2.5 मिलियन और सेकेंडरी सेल्स ने तो पिछले कुछ दिनों में $5 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीनों पहले रेडिट पर NFT हेटर्स भरे हुए थे और अब उन्हीं में से कई NFT के जरिए प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब उस सवाल का जवाब देते हैं जहां रेडिट पर आरोप लगाया गया कि उसने धोखे से लोगों को NFT में इन्वेस्ट करवाया। तो आखिर कैसे रेडिट की बदौलत 3 मिलियन यूजर्स ने NFT सेक्टर में एंट्री की, आइए बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, कलेक्टेबल अवतार्स। रेडिट ने कहीं भी Web3 NFT या फिर उससे जुड़ी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नॉन Web3 बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलेक्टेबल अवतार्स नाम से सीधा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ऐसे में जाहिर है बहुत से लोग इस बात से अनजान थे कि वो NFTs खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंपल पासवर्ड सिक्योरिटी। रेडिट पर वॉल्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपने पब्लिक एड्रेस को एक्सेस करने के लिए किसी सीड फेस को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। Web3 यूजर्स के लिए इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए रेडिट ने सिंपल पासवर्ड मेथड क्रिएट किया है। पॉइंट नंबर 3, ईज ऑफ पेमेंट। रेडिट NFTs क्रेडिट कार्ड के जरिए भी खरीदी जा सकती हैं। इसके लिए फियाट को ETH या मैटिक में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही ये साबित किया जा सकता है, लेकिन इन 3 फैक्टर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है जिसके चलते तमाम नॉन Web3 बायर्स ने NFT में दिलचस्पी दिखाई। खैर, सच्चाई क्या है और क्या वक्त के साथ रेडिट कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। हैव अ ग्रेट डे।